नमस्कार, देखने वेब दुनिया, मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी ब्रिगेडियर बी के पनवर जी और ये डायरेक्टर हैं काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर इस कॉलेज में और छत्तीसगढ़ में कांकेर में अभी हैं। तो आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैडम। मैं बस्तर में हूँ इस वक्त, कांकेर में, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें याद किया हमारी जानकारी लेने के लिए कि इस जंगल में कैसे अमन शांति हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल आपकी कोशिशें शायद दिखाई भी देती हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाल ही में जो अटैक हुआ था, नक्सलवादियों का अटैक था, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? थोड़ा सा अगर इजी में आम लोगों के लिए समझाएं तो सही होगा। अभी मैं आपको ओवरऑल ऊपर की स्ट्रेटजी बताऊं तो एक समय था चंद साल पहले जब कि बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब नक्सली समस्या से जूझ रहे थे। इसमें प्रयास जारी किया और आज की तारीख में देशवासियों को भी मालूम होना चाहिए, गृह मंत्रालय के असेसमेंट के मुताबिक मात्र 30 डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं और इस 30 डिस्ट्रिक्ट के 8 डिस्ट्रिक्ट बस्तर में है और यही यही इस लड़ाई का गुण तत्व का केंद्र है। नक्सलाइट का जो PLGA है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल आर्मी, वो यहाँ पे तैनात है, जो बची खुची रह गई है। उसका लीडर है हिदमा, अच्छे उनकी ट्रेनिंग है, हथियार उत्तियार वगैरह है, तो इसमें वो अंदर रह गए हैं और ये हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपने किले को जो बीजापुर सुकमा के इर्द गिर्द है जंगलों में उसको बचाएं। तो उनकी एक डेस्परेट सिचुएशन थी कि जबकि उन्होंने वही DRG ग्रुप जो आदिवासी लोग हैं, वही के लोग हैं, जितने भी लोगों की जाने गई वो बीजापुर के रहने वाले हैं, उनके माँ बाप बीजापुर में, उनका परिवार बीजापुर में, उन्होंने उन्हीं लोगों को मार गिराया। उनके साथ एक घृणा उनको हुई है कि इन्होंने क्यों पुलिस में जाके भर्ती हो गए और इस प्रकार से इन्होंने योजना बनाई और उनको मारा है। लेकिन वो ठीक है, एक लड़ाई का हिस्सा था, हमने भी उनके ऊपर तमाम गोलियां चलाई, हमारे सिपाहियों ने भी तमाम गोलियां चलाई, उनका भी नुकसान हुआ है। उनके अंदर एक और दहशत फैली है कि अब हमारे ही घर में, अब हमारे ही किले में आ गई है सुरक्षाकर्मी, नहीं तो पहले यहाँ पर हिंदुस्तान का दबदबा होता नहीं था। ये जब मध्य प्रदेश था और आजादी के बाद 1967 में जब ये कहानी शुरू हुई थी नॉर्थ बंगाल में और दोबारा शुरू हुई आंध्र प्रदेश से, तो ये अलग सोच थी कि हमको ऐसा हिंदुस्तान नहीं, एक कम्युनिस्ट इंडिया चाहिए, एक क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। ये कैसे हो सकता है, लोकतंत्र मुल्क है, बहुत तरक्की हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इनके विचार में, इनके लीडरों में कि एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, अब तीर कमान लेकर ये हिंदुस्तान के तख्ते ताऊस पे कब्जा करना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? कभी आज तक की कोई भी आतंकवादी निधि सफलता नहीं हुई है, हमने तमाम इंसर्जेंसी का सफाया कर दिया है। मेरी सर्विस मैंने नागालैंड में शुरू हुई थी, आज नागालैंड पीसफुल है, त्रिपुरा में फिर सेक्टर कमांडर गया था, त्रिपुरा पीसफुल है, पंजाब गया था मोगा तहसील में, पंजाब में बल्ले बल्ले हो रहा, अब बस्तर रह गया है, बस्तर भी जल्द से जल्द मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अव्वल दर्जे का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। पर्यटक स्थल कैसे? बस्तर तो जहां तक मैं पढ़ के आई हूँ वहां पे बहुत धान की खेती होती है और साथ ही वहां पे बहुत आदिवासी लोग रहते हैं, पर्यटन कैसे होगा वहां पे? पर्यटक स्थल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत जंगल जानवर हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमारा वॉटरफॉल है एक चित्रकोट में, बहुत ही सुंदर है, एक चौथाई नायगरा फॉल का रूप में है और तमाम यहाँ की पहाड़ियां और यहाँ का इतिहास है, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ वनवास के बहुत साल काटे थे, यहीं से कहा जाता है तजवीज बनी थी श्रीलंका पर कब्जा करने के लिए, श्रीलंका लजाने के लिए हनुमान जी यहीं से गए हैं, और यहाँ पे दंतेश्वरी माता की मंदिर है, वहां पर तमाम लोग जगह जगह से लोग आते हैं अपना आशीर्वाद लेने के लिए माता से, कहा जाता है कि सीता का दांत यहाँ पे गिर गया था या जो भी हुआ था, और मैं भी वहां जाके आया हूँ और 16 साल से तैयार हूँ, और जैसे ही हम यहाँ नजदीक आते हैं लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर कि दंतेश्वरी माता की पवन धारा में आपका स्वागत है। इसके अंदर से ही यही एक वाक्य से हमारे अंदर एक नई ताकत और ऊर्जा पैदा हो जाती है, इसलिए पर्यटक स्थल बनेगा।
हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही नया रूप हमको देखने मिलेगा। आप डायरेक्टर हैं काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर इस कॉलेज के, ये क्या सिखाता है सर, और कैसे ये नक्सलाइट से या फिर टेररिज्म से बचाने की क्या गुण देता है? क्योंकि सिखलाई वो होना चाहिए जो समस्या है उसका समाधान कर सके। पुलिस की सिखलाई पुलिस स्टेशन में होती है और लॉ एंड ऑर्डर की होती है। अगर कोई किसी किसी के घर में चोरी हो जाए तो वो आके FIR लॉन्च करता है थाने में और फिर तहकीकात की जाती है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तब एक नया रूप नक्सलाइट ने दे दिया था, वो था गुरिल्ला युद्ध का। गुरिल्ला युद्ध का है छापामार युद्ध, जो बड़ी सेनाओं के, बड़े सुरक्षा कर्मियों के कमजोर इलाके में जाके हमला करता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आईडी ब्लास्ट कर देगा, आपकी गाड़ी उड़ जाएगी। और ये कार्य एक आदमी आसानी से कर सकता है। आईडी को लगा देगा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, बारूद को लगा देगा सड़क में, और सड़क से करीब 45-50 गज पर एक बैटरी रख देगा, कार की बैटरी, और बिजली पैदा कर देगा। बिजली पैदा करेगा, जैसे ही गाड़ी उसके ऊपर आती है और आपके 20 लोग, 25 लोग, मैं कहूं 60-60 लोगों की जाने इस आईडी ब्लास्ट से गई है। एक सिंपल सिंपल गैजेट, बहुत आसानी से वो बनाया जा सकता है और बहुत आसानी से वो निष्क्रिय किया जाता है। ये एक मिसाल आपको दिया है मैंने। दूसरा है कि उनकी ट्रेनिंग हो गई थी बंदूक चलाने की। अब बंदूक चलाना जो जानता है और बंदूक से कैसे मनोवर करके उस आम पुलिस वालों को, जो डंडा लेके चलते हैं, जो तहकीकात करने जा रहे हैं 2-3 लोग, उनको तो ऐसे ही मार देगा, वो ताकतवर है। तो अब वो ताकतवर के मुकाबला करने के लिए उनका उसूल क्या है, माओज फिलोसफी, दैट पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बंदूक की नोक से ताकत पैदा होती है। जब चारू मजुमदार ने ये अभियान शुरू किया था 1967 में, उसने कहा था जब तक हम वायलेंट नहीं होंगे, जब तक हमारे टिल सच टाइम वी डोंट किल द एनिमी, आवर हैंड शुड बी डिप्ड इन द ब्लड ऑफ अ कैपिटलिस्ट, ओनली देन दिस रेवोल्यूशन विल बी कॉल्ड रेवोल्यूशन, अदरवाइज दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट हैज टू बी अ क्रांतिकारी रेवोल्यूशन, अ वायलेंट रेवोल्यूशन। तो इसलिए इसको समाप्त करने के लिए, बंदूक की नोक को समाप्त करने के लिए पुलिस की बंदूक की नोक को तेज करने की जरूरत थी। इसलिए हमको अपने पांव पे खड़ा होना था। और उन्होंने ढूंढ ढांड के पूरे हिंदुस्तान में प्रतिज्ञा करी। यहाँ के जो गवर्नर साहब थे, भूतपूर्व गवर्नर श्री लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ सेना के, उन्होंने पहचान लिया था कि क्या है समस्या, क्या है, और उन्होंने कहा कि हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस को एक गुरिल्ला युद्ध कला की प्रशिक्षण देना जरूरी है, और इसके लिए हम एक कोई ब्रिगेडियर रैंक का बाशिंदा किसी को ढूंढते हैं। और मैं इस इत्तेफाक से उस वक्त वारंटे में कमांडर था काउंटेरइंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल का, और वहां पे अमेरिकी सेना आई हुई थी अलास्का से, और US एम्बेसडर भी आए, और उन्होंने बोला कि जो हमने यहाँ सीखा है एक महीने में, वो हमारे इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई में बहुत काम आएंगे। और तो उस वजह से एक कसम का परंपरा बन गई कि जंगल युद्ध कला सीखना है तो CIJW स्कूल वारंटे एक बहुत ही मशहूर स्कूल बन गया है। और मेरे वहां से, मैं सेवानिवृत्त होने वाला था और मैंने एप्लीकेशन दिया था कि मैं कांगो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जंगल पसंद था और दूर दराज इलाके पसंद थे। तो संयुक्त राष्ट्र के साथ एप्लीकेशन दिया कि कांगो जाने के लिए। मिस्टर शॉम्बे वहां पर थे पहले जमाने में, जब कटंगीज की लड़ाई हुई थी, मैं जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा, ब्रिगेडियर आप हमारे यहाँ जाइए, ये भी कांगो के माफिक है, वैसे ही जंगल है, सब ठीक है। और दंतेश्वरी माता की टेम्पल में ले गए और उन्होंने कहा इधर आइए, ये आपका मुल्क है। उससे मेरे को एक मन लग गया कि अब मैं इस अपने ही हिंदुस्तान के अंदर की समस्या का समाधान करूंगा, तभी मैं कहूंगा कि ये मेरा काम पूरा हुआ है। और उसके तरीके से मैं लगा हूं। 16 साल हो गए हैं, 231 डिस्ट्रिक्ट से इतनी कम हो गई हैं, 30 रह गई हैं। तमाम स्टेट्स के पुलिस वाले यहाँ पे आए और अपना गुरु कला सीखा, नई नई कला सीखी, अपने अपने कैंप उन्होंने बनाए, अपने अपने स्कूल बनाए जैसा हमारा है। और फिर जब बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, CRPF की 76 लोग मारे गए थे 2010 में, फिर चिदम्बरम साहब ने बोला उनको कि अब क्या करोगे, बोला जाओ जंगल वॉरफेयर कॉलेज, जाओ कांकेर, जाओ चटाई बिछाओ, पाठ पढ़, क्योंकि जब तक आपको इसकी युद्ध कला मालूम नहीं है आपका नुकसान होगा, यू विल बी अनट्रेन्ड ट्रूप्स।
आपको घुड़सवारी आती नहीं है, घोड़े पे बिठा देंगे आप गिर जाएंगे नीचे, बहुत आसान एक मिसाल है। तो इसलिए ये कॉलेज को बनाया गया सरकार ने और नतीजा सामने आ रहा है। अब पुलिस वाले भी सब के सब गुरिल्ला की माफिक दिखते हैं और कहीं भी चले जाते हैं, कार्य करते हैं और चल रहा है काम। मिशन इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, मिशन इज हाफ सिक्योर है। अच्छा है, अच्छा है सर। इनफैक्ट सारी दुआएं आपके साथ रहेंगी देशवासियों की, और स्पेशली माता जी की दुआएं आपके साथ है। आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब सरकार से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चाहते हैं सरकार का साथ और हो? सरकार से हमें तो पहले जब मैं आया था इधर, हमने कहा हमको ये जमीन चाहिए, वो भी जमीन चाहिए। पहले उन्होंने करीब 50 एकड़ जमीन दी थी, हमने कहा 50 एकड़ से नहीं, अब मैं एक युद्ध क्षेत्र बना रहा हूँ, मेकिंग अ बैटलफील्ड, मैदान जंग बना रहा हूँ, ना कि एक कोई स्कूल, स्कूल तो नाम है, कॉलेज तो नाम है सिर्फ, मैदान जंग है ये, हूबहू मैदान जंग के मुताबिक चाहिए। तो ये भी जमीन सब ऐसी पड़ी हुई थी पिरान, और वो भी मिल गया, जमीन मिल गई, 800 एकड़ जमीन हो गई। तमाम पहाड़ियां हैं, हमने पहाड़ियों को लेवल कर दिया अपने जेसीबी वगैरह से, तमाम प्रयास करके, एक जैसे मूर्तिकार जाता है मूर्ति बनाने एक हैमर एंड चिजल के साथ, वैसे हमने कार्य किया है, जेसीबी और टिपर और डोजर इस्तेमाल करते हुए फायरिंग रेंजेस बनाए, ऊपर की पहाड़ियां काट दी, हेलीड्रोम बना दिया, हेलीपैड ऊपर बना दिया, एंड्योरेंस ट्रैक बना दिया। और इस वजह से जो एंड्योरेंस ट्रैक चारों तरफ बना है, जो वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग शहर वाले जो छत के ऊपर करते हैं, हमने वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ 800 एकड़ जमीन में किया है, और जितना बारिश हमारे एरिया में गिरती है वो सब हमारी झीलों में चली जाती है। ऐसे हमारी हमारी 11 झीलें हैं, और 11 झील में लाइफ भी आ गई है, मछलियां हैं, और वो झीलें जो लंबी वाली एक है उसको हमने शबरी झील नाम रखा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बेर हैं, और यहाँ पे शबरी नदी भी है, और शबरी के बेर भी और भगवान राम ने इसी एरिया में खाए थे। तो वो झीलों का इतना अच्छा वातावरण है कि दूर से जो बदके हैं वो आने लगी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कमल भी बैठी है वहां पे, जो वुली नेक क्रेन बैठा है, 2-4 बैठे हुए हैं इधर आके, आप आके देखें तो आपको स्वयं हम दिखा सकते हैं। तो ये एक और तरीका होता है कि जंगली जानवर से कैसे दोस्ती रखना है, कोबरा से कैसे दोस्ती करना है, ये भी पर्यटक का, हमारे यहाँ शेर घूमता है, तेंदुआ घूमता है, भालू घूमते हैं, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई हमला नहीं होता। हमारे लोग जाते हैं इस तरफ, वो हमारे जो खाना बच जाता है, कमांडोज को बोला कि एक जगह रख देना, भालू आके खा लेता है, सिंपल बात है, ईट टुगेदर, एंड कोई कुछ नहीं करता। बंदर है तमाम, उनकी जनसंख्या खूब बढ़ गई है, कुछ नहीं, सब हम कहते हैं ये हनुमान जी के वानर सेना है, या रह रही है, हम भी रह रहे हैं। अरे वो कहते हैं कि आप हमारे घर में आए हो, ना कि हम तुम्हारे घर में हैं, तो सही बात है, तो उनकी इज्जत हमने करना है। मैंने जगह जगह पानी के स्थल बना दिए उनके लिए, वाटर टैंक्स, सब जानवरों के लिए मैंने पानी का वो बना दिया है, और पानी बदली करते रहते हैं, पॉइंट में पानी पीते हैं, खुश रहते हैं, दुआ देते हैं, और क्या चाहिए बताइए, ये चीज बनी है और चल रहा है। और आम जनता से जो आसपास रहती है उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या सोच? आम जनता से अभी हमारा जो सिविक एक्शन चलता है, जनता के यहाँ जाते हैं, गांव को घेरा लगाते हैं, और फिर जब सब सुरक्षित है तो गांव वालों के पास जाकर उनको उनकी जो समस्या है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या विधवाओं को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, ये सब उनका देखते हैं जाकर, ये सिखलाया जाता है, एक सिविक एक्शन बोलते हैं। मान लो एक मिसाल के तौर पर हम गए और 6 विधवा है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, और बिजली नहीं है गांव में, पानी नहीं है, फुटवेल गिर गया था, तो बिजली वाले आते हैं, वो कहते हैं साहब वहां पर नक्सली क्षेत्र है, तार जोड़ने के लिए हमें थोड़ी सुरक्षा चाहिए, तो हम उनके साथ चले जाते हैं, और जो जो विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही थी, कलेक्टर साहब को बता के वो पेंशन का बंदोबस्त कर दिया, और ये कर दिया, और पानी का बंदोबस्त कर दिया, नया कुआं खुदवा दिया। तो फिर अगले महीने जब हम दोबारा जाते हैं चेक करने, तो जब चीज हो गई है, फिर गांव वाले हमें कहते हैं, तो हमारे भाई लोग हैं, हम ये सिखाते हैं उनको, आपके अंदर हम ऐसा आत्मविश्वास दिलाएंगे कि आप बोलेंगे कि हमारी पुलिस है, ये हमारी पुलिस है, हमारी सुरक्षा के लिए है, और हम गांव वालों को बोलते हैं जो भी आपको चाहिए हम आपको बंदोबस्त करेंगे, आपके बाल बच्चों के लिए शाला का बंदोबस्त करेंगे, स्कूल का बंदोबस्त करेंगे, और परिवहन का बंदोबस्त करेंगे, बसेस चलाएंगे, और धीरे धीरे सरकार की तरफ से तमाम सड़कें बन रही है बस्तर क्षेत्र में, जो एक किस्म का कहते हैं द ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक बूम हैड बाईपास बस्तर, उधर से चला गया था, हैदराबाद चला गया था, सिकंदराबाद चला गया था, मद्रास चला गया था, ये छोड़ दिया था, ना बिजली थी ना कुछ था वगैरह, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, और गांव वाले भी खूब हिल मिल गए हैं सुरक्षा कर्मियों से,
और हम गांव वालों को चाहते हैं अगर आपको कोई भी तकलीफ है हमारे पास आइए, हम बंदोबस्त करेंगे। और ये एक एक लड़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सिखाते हैं कि जनता ही इस लड़ाई का गुरु तत्व का केंद्र है। पॉपुलेशन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू हैव टू कीप देम विद अस। आप उनके ऊपर अत्याचार, और जो पुराने पुराने जो बादशाह लोग ने अत्याचार करते थे, जो मुगल बादशाह यहाँ पे 400 साल 200 साल करके गए, अंग्रेज जो करके गए, फालतू चीजें जो किया है उसको पीछे छोड़ देना। वो अंग्रेजों ने 1861 रूल्स बनाए थे हिंदुस्तान पर दहशत फैलाने के लिए, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए। अब 1861 रूल्स को पीछे छोड़ देना चाहिए। पुलिस हमारे बड़े भाई हैं, लाइक द लंडन बॉबी इन लंडन। इट इज फॉर योर हेल्प, फॉर द हेल्प ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट फॉर यूजिंग डंडा एवरीवेयर। ये सिखलाई जाती है और जनता इससे बहुत खुश है और हमारी तरफ है। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी एनर्जेटिक। वो सोच के अब तो मेरी भी कांकेर आने की इच्छा हो रही है। सो थैंक्स अ लॉट इतना सब बताने के लिए। और चाहेंगे कि अब वो जो 30 गांव जिनसे अब इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आपकी निगरानी में खत्म हो जाए। शुक्रिया। जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर।